नागपुर में माता अनुसुईया के जीवन चरित्र पर आधारित सिनेमा कल प्रदर्शित होने जा रहा है। अनुसुईया माता पर आधारित यह फिल्म 6 मई 2022 को रिलीज होगी। LLP हेमंत नागपुरे की फिल्म अनुसुईया पारटशिंगा निवासिनी 6 मई को पूरे महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में दिखाई दी जाएगी। विजय जी मुदलियार फिल्म के गीतकार निर्माता अशोक खोड़े की अपनी माँ की सेवा करने की लंबे समय से इच्छा थी, इसलिए यह फिल्म बनाई गई। कहानी माँ अनुसुईया के जीवन की कहानी पर आधारित है। वैसे तो माँ के भक्त पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर है। यह फिल्म भक्तों के विशेष अनुरोध पर बनाई गई थी। यह सिनेमा पंचशील, राजविलास, PVR, मूवीफ्लेक्स ऐसी अन्य 5 से 6 सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। इस सिनेमा की यह विशेषता है कि इसमें काम किए हुए सभी कलाकार विदर्भ के हैं। इस सिनेमा में कुल 6 गाने हैं। इसके बारे में एक ये धार्मिक फिल्म है, एक माता आई अनुसुईया उनके जीवन चरित्र पर चित्र है ये फिल्म है और कल 6 मई को रिलीज हो रही है ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग देखना चाहिए और माँ के भक्ति का आनंद लेना चाहिए। सर नागपुर में कौन से थिएटर्स में ये रिलीज होने वाला है? नागपुर में पंचशील, PVR, इंप्रेस मॉल, इन्फिनिटी मॉल और अपना ये राजविलास, ये 4 थिएटर। इसके अलावा भी अभी चल रहा है 1-2 थिएटर, हो सकता है बढ़ जाए। अभी फिलहाल 4 थिएटर फाइनल है। सर एक ही लैंग्वेज में है क्या सर? ये मराठी लैंग्वेज में है। रिलीज के बाद हम हिंदी डब करके बाद में हिंदी में रिलीज करेंगे, हिंदी और तेलुगु। और इस मूवी के माध्यम से आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं? ये माता के फॉलोअर्स के लिए कि जब माता की प्रसिद्धि प्रचार होना चाहिए था और वो उसी के लिए फिल्म बनाई गई। इस मूवी की शूटिंग कौन से क्षेत्र में हुई? ये शूटिंग जो रामटेक में एक सेट लगा था, पूरे गांव का सेट लगा था रामटेक में हुई है। नागपुर, पारटशिंगा, हैदराबाद, कर्नाटका और उसके बाद सिडनी। और कलाकार कहाँ थे? ऑलमोस्ट कलाकार विदर्भ के ही ज़्यादातर है। और अनुसुईया माता की जो भूमिकाएं हैं वो 3 विभाग में दिखाई गई। जी जी हाँ, माता का 3 रूप दिखाया गया, बालपन, युवावस्था और ओल्ड एज। तो बालपन में वैष्णव ठाकुर है और युवावस्था में दीपा पाल है और उदास में गायत्री घाट ने रोल किया। और ये किस प्रकार से दिखाई गई है सर? ये जो अपना गैप के वाइज दिखाया गया, उनका जो जीवन चरित्र था शुरुआत से अंत तक हम लोगों ने गैप गैप देख के दिखाया गया। उनकी पूरी कहानी तो एक फिल्म में बैठेगी नहीं, इसलिए हमको उसको थोड़ा सा गैप देख के ये किया गया। और ये कितने समय की बनी है, मतलब कितने घंटे? ये 2 घंटा 40-45 मिनट की बनी हुई है। आउटपुट क्या मिल रहा है सर एक्चुअल में? अभी तो रिस्पांस अच्छा आ रहा है, अब होप कल अच्छा है, पहला शो है, आप लोग देखो, अब आप ही आपको बताओ, हम लोग तो देखेंगे, आप लोग भी देखो। इस मूवी के बारे में मैं माता का सेवक हूँ। माता की सेवा में जैसे मैं लगा, माता के अनुभव जो मुझे हुए, तो माता भक्तों पर कैसी कृपा करती थी, हर एक भक्तों के वो सब देख के इनको ऐसा हुआ कि माता का जो दूर कैसे करती थी, ये वो सब देख के उसके बाद में जैसे भी संत जगह दुनिया के कल्याण के लिए पैदा होते हैं और ईश्वर का अवतार संतों के रूप में इस देखा जाता है, इसलिए इसमें माता जी में हमें शक्ति का अवतार है ऐसा महसूस हुआ और इस उनके भक्ति का आनंद सभी लोगों को मिले, इसलिए ये चित्रपट का प्रयास किया। जितना हो सके उतना माता का प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। इसकी वजह से इनकी इच्छा थी कि माता पे फिल्म बननी चाहिए। इनके साथ ये विजय मुरलियार जी थी, इन दोनों की दिली इच्छा थी कि जैसे सिडनी के साई बाबा पे बनी है, गजानन महाराज पे बनी है, ऐसे सभी संतों पे बनी है, तो माता पे भी बननी चाहिए और माता का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इनकी इच्छा इन्होंने प्रकट की और फिल्म में निर्माण शुरू हुआ। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।